मीडिया की टीम इस समय यहाँ जो रोहतक के अंदर जो आज चौधरी देवीलाल जी का सम्मान दिवस मनाया जा रहा है और रास्ते में जो है कि हर कोई प्रत्याशी जो है अपने अपने जो प्रोग्राम चाय नाश्ते का जो प्रोग्राम होता है वो कर रखा है। जो समर्थक साथ में आए हुए हैं उनसे जानते हैं कि कैसा क्या रुझान रहेगा, किस पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं और कितनी क्या भीड़ वहाँ पर पहुँचेगी और कौन मुख्य अतिथि होंगे जानते हैं। यहाँ पर जो जो समर्थक मौजूद हैं यहाँ पर। हाँ जी नमस्कार जिताऊ जी। हाँ किसके साथ आए हो? दुष्यंत जी के साथ। जो इसराना विधानसभा क्षेत्र की गाड़ियाँ ज़्यादातर खड़ी है, कौन ऐसा प्रबल दावेदार है जिसको टिकट मिल सकती है? जिसको भी दुष्यंत चौटाला जी टिकट दे देंगे सभी हल्का सारा हल्का उनके साथ तन मन धन सारी चीजें देंगे बिल्कुल। क्या नीतियाँ लगी आपको चौधरी देवीलाल जी? एक तो दुष्यंत जी बच्चों के बारे में 75% बच्चे भड़कांगे लगो जी जी। एक ये JBT का पेपर हो करता उसमें ये के अध्याय रखा था भाई टेस्ट पैट के पाड़ो वो खत्म करेंगे, जमींदारे के लिए करेंगे, हर एक चीज़ का मतलब किसान मजदूर जमींदार सबको फायदा है। ऐसी नीतियाँ दुष्यंत जी की हर एक बच्चे की जुबान पर है। अगर इंटरव्यू ना होते नहीं ये जो BJP सरकार ने रखे हैं 21-22-23 के जी जी। 1 लाख बच्चे तो ये लगा लो कि 1 लाख बच्चे तो 15 लाख के इंटरव्यू हैं। 1 लाख पेपर चल रहे हैं तो 1 लाख बच्चे तो हमारे जो नौजवान आने थे कोई किसी का कुरुक्षेत्र किसी का सरसा किसी का वो हम दुष्यंत जी से ये भी कहेंगे कि जिले वाइज करनाल के पानीपत करवा दो, पानीपत के जींद करवा दो, मतलब एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे डिस्ट्रिक्ट हाँ एक डिस्ट्रिक्ट छोड़ के दूसरे में करवा दो। अब कोई सरसा लड़की जा रही कहाँ रहेगी कौन रहेगा? तो इसकी दुष्यंत जी की नीतियाँ इतनी बढ़िया हैं हर एक गाँव में हर एक पब्लिक में दिन पे दिन पूरा जोर पकड़ दी जा रही। जो हाल फिलहाल में BJP सरकार है हाँ विकास कार्य की हम बात करें तो कह रहे हैं बहुत विकास कार्य करवा दिए आपके भी इसराना विधानसभा क्षेत्र की अगर मैं बात करूं कृष्णलाल पवार हाल फिलहाल में 3 मंत्रालय उनके पास है क्या लग रहा है कुछ काम करवाए कि नहीं करवाए? जेल वार्डर में है पूछो कितने जेल वार्डर में बच्चे लुवाए, ये डी ग्रुप में है वो लग रहे बेचारे कहीं कहेंगे जिसने वो जितने कोर्स करा रखे थे कोई MSc BSc MCOM BTech ये वगैरह वो चपड़ासी की नौकरी वो मतलब माली हैं वो रुपये को खोलेंगे वो लगाए ना मतलब जो योग्यता थी उससे कहीं बढ़कर पढ़े हुए बच्चे हैं उस योग्यता के आधार पर उनको नौकरी नहीं मिल पाई। हाँ योग्यता के आधार पर उनको डी ग्रुप कर में लगा रहे बोलो क्या है ये तो आप भी सोचो आप पढ़े लिखो आपने कोई कहे भाई एक मिनट तो कुछ नहीं है BJP में 35 साल हो गए। हाँ जी हाँ जी उस आदमी ने 35 साल हो गए कृष्ण पवार ने मैं ठोकर कहता हूँ हमारे गाँव में अरे 5 साल में तो जमाई तबाही मचा दी। कौन सा गाँव आपका? मतलोड़ा जी मंत्री नाश कर दिया उन्होंने करता मतलब आपके गांव में काम नहीं हुए? काम हुए मारे रात का कोई टाइम नहीं बचा जिस टाइम छापे न पड़े बिजली के भी हर पल्टीबाजी गांव दो बार कर दिया गांव गति नहीं जैसे 5 बार पहले इंडियन नेशनल लोकदल से भी पहले बनाए रखा पहले ठीक है। अब जो है पार्टी आपकी अलग अलग होगी और पिछली बार को BJP ने टिकट दी थी तो हाँ क्या काम हो पा रहे कि नहीं हो पा रहे? कुछ नहीं मेरे गांव में कोई काम नहीं आक्रोश पूरा उभर करके सामने हाँ, कती खुल गए। हमारे चुनावी जो सर्वे इसराना अंदर के अंदर चले हुए थे ना हर एक गांव के अंदर लोगों के अंदर ये टीस जरूर थी कि भाई 5 बार पहले विधायक रह चुके हैं इस बार हाल फिलहाल में 3 मंत्रालय उनके पास है तो 35 साल हो देने लग रहे उसको वोटे क्या करे उन्हें मार लिया कुछ भी नहीं करे हमारे बच्चे तक लाग लिए बताओ। अब जो प्रत्याशी कौन होना चाहिए जो JJP जननायक जनता पार्टी से प्रत्याशी कौन होना चाहिए? देखो वो तो वो उन्हें क्या हाथ में है अगर पार्टी किसी व्यक्ति को टिकट देती है कि उस समर्थन करोगे उसका? चाहे दे इसको उड़लाने वाले को और चाहे दे उस लुगाई को दोनों मत को दे दो बनेगा वही उसी का समर्थन पूरा सभी उसके समर्थक हो दुष्यंत के समर्थक हो दयानंद रोलाना के नहीं उसके भी साथ वोट लाए के साथ है किरण पुनिया ने मिल जाए तो आज भाई साहब क्या हाल है आज क्या कहना चाहोगे? आज जो रैली के अंदर बहुत भारी मात्रा में भीड़ जा रही है क्या कहना चाहोगे इसके बारे में? हमारा कहना है भाई इसराना हल्के से दुष्यंत चौटाला किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे पूरे इसराना हल्का को दुष्यंत चौटाला को वोट देनी और चंडीगढ़ की रास्ता खोलना भाई। जो विकास के ऊपर ताला लगा हुआ है अगर विकास के ऊपर जो ताला उसकी चाबी अगर दुष्यंत चौटाला जी किसी भी मतलब दयानंद रोलाना हो गया सुरेश भट्टी हो गया बलवान वाल्मीकि हो गया एक अपना किरण पुनिया जी है महिला है अगर किसी को भी विकास के ताले की अगर चाबी देती है तो आप उसको
किसी भी कैंडिडेट को टिकट दे, पार्टी पूरा इसराना हल्का तन मंदन से उसको बिल्कुल जी जान से बनाएगा। आज इसराना हल्के से कितनी गाड़ी आई है? इसराना हल्के से 600 गाड़ियों का टारगेट था, करीब करीब 750 गाड़ी और प्लस हो का आई, 750 गाड़ी आई इसराना हल्के से। तो ये हमारे साथ जो जननायक जनता पार्टी के जो जिला सचिव मौजूद हैं। दूसरी बात एक और बताना चाहूँगा कि सभी जो है ना दुष्यंत चौटाला को भावी सीएम बनाना चाहते हैं, सीएम बनाना चाहते हैं। इनका किसी भी व्यक्ति से मतलब द्वेष नहीं है। अगर पार्टी टिकट देती है धनंजय उरलाना जी को तो उनके साथ है, अगर किरण पुनिया जी को टिकट देती है तो उनके साथ है, अगर टिकट मिलती है सुरेश भट्टी को तो सबका जो है कि एकजुट होकर के वोट करने का इनका फैसला है। मेन ये जो देख रहे हैं दुष्यंत चौटाला को सीएम, यानी कि चंडीगढ़ के अंदर जो है जो सीएम की कुर्सी है वो सीएम की कुर्सी दुष्यंत चौटाला के हाथों में सौंपना चाह रहे हैं। तो पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे ग्राउंड मीडिया से, मैं धर्मेंद्र इंसान। ग्राउंड मीडिया की टीम इस समय जो है कि रोहतक रोड पर मौजूद है और यहाँ पर जो दयानंद उरलाना के समर्थक है, महिलाओं की अगर मैं बात करूँ काफ़ी मात्रा में महिला भी यहाँ पर पहुँची है और जानते हैं इनसे कि आज की जो रैली है इसको लेकर के कहाँ से पहुँचे हैं, क्या तैयारियाँ हैं, किस प्रकार का माहौल नज़र आ रहा है। ताई राम राम। राम राम भाई। कहाँ से आए हो? पलड़ी ताए भाई। पलड़ी जा रहे हो? हाँ। गाड़ी बरकारी है? बरकारी है। कितनी की लेडी जा रही है आज? ओ आ रही हूँ मैं 60-70 बस में। हाँ। किसके समर्थक हो? हमें गीता के। अच्छा अच्छा, नमस्कार जी। नमस्कार जी, ठीक आज आंटी जी ठीक हो? हाँ जी ठीक ठाक। आज की जो रैली है उसको लेकर क्या कहना चाहोगे? हम ये दुष्यंत चौटाला को सीएम देखना चाहूँगा जी। ये जो महिला एक आई है आपके साथ, आप पूरी बस भर के ले रहे हो, कितनी की महिला आ रही है? पुलड़ी गांव से जी, 110 महिला है। 110 महिला है। ये सब किसने वोट करना चाहोगे अगर इसराना विधानसभा क्षेत्र से, किसको टिकट मिलनी चाहिए? देखो जी वो तो आने के बाद ही, जिसको भी मिलेगी हम उसी को बनाओगे जी। तन मंदन दुष्यंत चौटाला साहब जी किसी को दे हम उसी को बना, मतलब दुष्यंत जी किसी को भी टिकट दे देंगे आप उसने विधायक बना दो। हाँ जी उसी ने बना देंगे और दुष्यंत ने सीएम बना दो। हाँ जी। महिलाओं की संख्या जो है ना पुरुषों के मुकाबले कम लग रही है, क्या कारण है? कम नहीं है जी, वहाँ देखिए पंडाल बराज का जब 50% महिला आपने वहाँ मिलेंगी। अगर हम यहाँ की बात करें तो यहाँ पे तो 10 आने लग रही है जी महिला, फिर भी काम करके निकली घर से आने लग रही है जी। हम 10 बजे घर से निकले थे जी, पीछे पीछे और भी आने। और खाने पीने का क्या प्रबंध है? खाने पीने का जी पूरा जी, चाय समोसे ब्रेड बस में भी रखे हैं और यहाँ भी मिल रहे हैं। यहाँ पे मिल रहे हैं, यहाँ गरम गरम खिला रहे हो? हाँ जी गरम गरम, गरम गरम चाय गरम है जी, आत्मा हाँ जी। आपका इस पुवार की ऐसी की तैसी कहानी हमने, कृष्ण पुवार की बेसा तो हकटी नू नू तो आगे नू कोनिया था। अच्छा अगर मारी बसाई की तो मारा। नमस्कार जी, क्या कहना चाहेंगे रैली को लेकर? हम तो ये कहना चाहूँ जितने बंदे रैली में आए हैं वे सारे वोट दे इनके, दूसरे जिता करें। कैसा क्रेज लग रहा है विधानसभा क्षेत्र इसराना की अगर बात करूँ? रैली को देख कर तो हम इतना अच्छा लग रहा है कि हमारे दुष्यंत बन गए। कल जैसे चुनाव की डेट भी फाइनल होगी है, 21 तारीख का जो चुनाव होगा और 4 तारीख अपना गिनती होगी 24 तारीख ने, तो ये जो रैली आज की जो रैली है क्या दिशा क्या नेतृत्व करेगी ये रैली आज की, जो क्या माहौल को चेंज करेगी? रैली यही माहौल करेगी कि पब्लिक को देख के लोग बागों का रुझान होएगा और वोट देंगे वे। आपको लग रहा है कि दुष्यंत चौटाला जी काम करवा सकते हैं क्षेत्र? 100% है, 101% जी बिल्कुल है, कराएगा। तो ये तो छवि जी बढ़िया लड़का है, बहुत अच्छा लड़का। ओम प्रकाश चौटाला जी बात करता जी, फोन मिलाओ फोन उठाता, नहीं मिलता तो दोबारा मिलाता, और एक वर्कर का फोन उठावे जी, और एक वर्कर के दुख सुख में घर जावे जी। श्रीमती नैना चौटाला जी एक फोन करते जी, ये भी उठावे जी। आज मुख्य अतिथि कौन कौन रहेंगे? एक जी के सी बांगड़े, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला, श्रीमती नैना चौटाला, दुष्यंत जी, दिग्विजय जी, पूरा परिवार वहाँ मिलेगा जी। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा क्षेत्र इसराना, विधानसभा क्षेत्र इसराना से गीता पलड़ी जी मौजूद थी और सुदेश नोलता जी, जिन्होंने बड़े विभाग की अपनी बात को रखा और बताया कि आज की जो मुख्य जो अतिथि रहेंगे दुष्यंत चौटाला जी, चौधरी अजय सिंह चौटाला और मैडम नैना चौटाला, और भी VIPs जिनको निमंत्रण दिया गया होगा वो पहुंचेंगे। पल पल की जानकारी के लिए मेरे साथ बने रहे। ग्राउंड मीडिया से मैं धर्मेंद्र इंसान। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।